फ्रेंड्स नमस्कार। तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ नमक पारा की रेसिपी। नमक पारा बनाने के लिए हमने ले लिया है मैदा, और इधर हमने ले लिया है जीरा। तो हम थोड़ा सा इसमें जीरा भी डालेंगे, और ये हम डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा डालेंगे नमक, अभी हम इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को मिला के। अभी हमारे नमक पारे एकदम क्रिस्पी बनेंगे ऐसे ऐसे हथेली की मदद से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे आटे में इसको हम, अजवाइन जीरा नमक तेल। तो फ्रेंड्स हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है, ये देख लीजिए अब इसमें लड्डू बनने लगा है। जब लड्डू बनने लगे तो समझ लो ये परफेक्ट हो गया है आटा बनने के लिए। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पानी को। क्योंकि इसका आटा जो है थोड़ा सख्त ही लगेगा। तो फ्रेंड्स हमने ये नमक पारे का डो तैयार कर लिया, ये देख लीजिए। अभी हम बनाते हैं नमक पारों को। तो फ्रेंड्स हमारा आटा तैयार हो गया है। हमने ले लिया है एक चक्री, चक्री को हम गोल 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 घुमा के बेल लेंगे। इस तरह से तो फ्रेंड्स ये हमने बेल लिया है। अभी हम इसको कट करेंगे, नमक पारे का शेप देंगे इसमें। तो इस तरह हमने नाइफ ले लिया है और कटिंग कर ले रहे हैं। देख लीजिए अभी हम एक एक करके इसको उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम सारे नमक पारों को बना लेते हैं। और इधर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई में डाला है तेल। तेल हमारा गर्म हो रहा है, फिर हम नमक पारों को फ्राई करते हैं। क्या है अभी हम डाल देते हैं नमक पारों को। डाल दिया, अभी हम इसको करछी की मदद से चला लेंगे। ये देख लीजिए गैस को हम बहुत हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखेंगे, ताकि हमारे जो नमक पारे हों अच्छे और क्रिस्पी बने। फ्रेंड्स ये बनने में बहुत जल्दी बन जाते हैं, और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, और सुबह चाय के साथ या फिर ऐसे ही चाट मसाला डाल के आप लोग चाहें तो स्नैक के उस पर खा सकते हैं। तो अभी हमारे नमक पारे हो रहे हैं फ्राई, अब तक हम और बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये जो नमक पारे हैं ये देख लीजिए हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। तो अभी हम इसको और फ्राई करेंगे, थोड़ा डार्क कलर हो जाए इसका और क्रिस्पी हो जाए ये।
तो फ्रेंड्स हमारे नमक पारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने दूसरा भी वो डाल दिया है इसमें, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम सारे नमक पारों को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।